हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पबजी में वेपन मास्टर टाइटल को अचीव कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी और सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइटल को अचीव करने के लिए आपको करने होते हैं 6 किल, 1 AR से, 1 स्नाइपर से, 1 SMG, 1 शॉटगन, 1 थ्रोएबल और 1 होता है व्हीकल से। तो देखते हैं हम आज इस टाइटल को कैसे अचीव करेंगे। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि एक मैच में अचीव हो जाएगा, एक मैच में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, पर उतना भी इजी नहीं है जितना वो बताते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में ऑफलाइन प्लेयर मिल जाते थे, पर आजकल नहीं मिलते। तो मेरे को खुद को सही बताऊं तो मैंने 3rd मैच में इसको अचीव किया है, झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसे 2 मैच इससे पहले खेल चुका हूँ, उसमें नहीं हुआ था। तो हम आ चुके हैं ये पोचिंग की वाले बान हाउस के पास में। यहाँ पे क्या आजकल बॉट ज़्यादा आने लग गए और बंदे भी आते, तो सोचा मैंने कि 2-4 के लिए यहीं पे मिल जाएंगे तो इजी हो जाएगा। पर बॉट ढूंढता हूँ, ना एक गन मिलती है, कुछ भी नहीं, ना कोई SMG, ना कोई शॉर्ट गन, AR, कुछ भी नहीं, बस एक पिस्टल मिलती है। तो पिस्टल से काम होने वाला नहीं है, एक ग्रेनेड मिल गया है, अब यहाँ जाके मेरे को एक शॉर्ट गन मिल जाती है। तो चलते हैं बंदों के पास, निपटाते हैं उनको अच्छे से। अब ये 2 बॉट भाग के इस घर में जा रहे थे, इस घर में ऊपर एक बंदा है जिसके पास भी शॉर्ट गन है, पता नहीं क्या कर रहा है वो ऊपर। तो पहले एक किल कर लेते हैं शॉर्ट गन से अपना। तो एक किल हो चुका है हमारा यहाँ पर शॉर्ट गन से। अब दूसरी कोई गन नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक किल और शॉर्ट गन से ही कर लेता हूँ। पर मेरे को पता चलता है कि मेरे पास एक नेड है, तो थ्रोएबल से भी एक किल करना है। तो जैसे मैं नेड ऐसे फेंकने के लिए रेडी होता हूँ कि बंदा ऊपर से नीचे आ जाता है। अब इसको भी मार के फिर अब थोड़ी सी लूट करेंगे यहाँ पे। और पीछे एक बंदा पता नहीं किसकी जो MP45 से हत्या करता है, हम उसको मिलने जाते हैं पर बंदा मिलता नहीं है, बग्गी लेके भाग जाता है। उसके बाद मैं इस साइड आता हूँ तो यहाँ पे शैक में मुझे एक बॉट दिख जाता है। तो मैं सोचता हूँ पहले घर में जाके कोई गन वन लूटूंगा, क्योंकि SMG या फिर AR मिल जाए तो अच्छा होगा। पर बॉट कॉन्करर प्लेयर था तो मुझे ही मारना चाह रहा था, तो इससे लूटते इस कारण। और पास में पता नहीं कोई बंदा आ जाता है जो मेरे को मारता है, तो फटाफट स्मोक करते हैं क्योंकि यहाँ पर नेड़ आ सकता था, तो मुझे निकलना था यहाँ से। और एक बॉट भी आसपास भटक रहा है और हेल्थ नहीं है मेरे पास उतनी, तो मैं स्मोक करके सामने वाले घर में चला जाऊंगा और पहले हेल्थ लगाएंगे। पहले वो बंदा मुझे वो पत्थर के पीछे दिखता तो है, पर उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, बंदा मिलता ही नहीं है वो मुझे। तो पहले हेल्थ पूरी करेंगे और यहाँ पे एक बॉट है जिसको देखते हैं पहले। तो अपना एक किल करेंगे ये AR से, AR से इस बॉट को मारेंगे और स्कारल से। अपने 3 किल हो चुके हैं। अभी मैं सोचता हूँ कि इस बंदे को मारूं, तो नेड को करता हूँ, पता नहीं क्या ग्लिच है, ये नेड जैसे ही पिन खींचते ही फेंक देता है वो। और मैं वहाँ से निकलता हूँ और इस घर में आता हूँ। अब मुझे उस बंदे की लोकेशन बिल्कुल भी पता नहीं है कहाँ पे है, और मेरे शॉर्ट गन और AR से तो किल हो गए है और एक थ्रोएबल से भी कर दिया है। तो अब मैं उसको ढूंढता हूँ पहले, कहीं एक आध किल और मिल जाए, देखते हैं। पर बंदा मिलता ही नहीं है, तो मैं उसको उसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए स्मोक डालता हूँ यहाँ पे, ताकि वो उधर फायर वायर करे या फिर कहीं से उठ के जाए तो मुझे दिखे, पर ऐसा होता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट करना इस बंदे पे, तो मैं इस घर में आता हूँ इधर, और यहाँ पे मुझे एक SMG मिल जाती है। तो अब यहाँ पे UMP छोड़ के हम उसी उठाएंगे, क्योंकि उसी क्लोज रेंज में अच्छी है, तो उसी ले लेते। और यहाँ पे मैं SCAR-L भी छोड़ दूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे Mini-14 मिल जाएगी, जो कि DMR है, पर स्नाइपर का किल उसमें आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप M24 Kar-9 DIDR फिर OM ही उठाएं, आप DMR भी ले सकते हैं, कोई भी DMR या फिर VSS, वो उसमें आपका स्नाइपर का किल आ जाएगा। तो एक गाड़ी पास से गई थी, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से उस बंदे को मारने के लिए, और ये बंदा मुझे यहाँ पे दिखता है। अब मैं ये सोच के यहाँ पे रोकता हूँ, चलो एक कोई भी स्नाइपर का या फिर SMG का किल यहाँ पे हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। पता नहीं बंदे में कोई कृष की आत्मा आ गई थी या फिर क्या हो गया था, बंदा मिलता ही नहीं है,
कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। हो सकता है शक्तिमान बन के उड़ गया हो, पर मिलेगा ही नहीं। मैं पूरे दोनों बाना उस चेक करूँगा अच्छे से, और सारे कोने भी देख लेता हूँ कहीं बाहर तो लेटा पड़ा नहीं है, क्योंकि सोलो में ऐसे ही करते हैं बंदे, घर के बाहर लेट जाते हैं, बिल्कुल फुट स्टेप नहीं देते। कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं इसको बहुत ढूंढता हूँ। वीडियो तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा ताकि आप भी बोर ना हो और वीडियो भी लंबी ना हो। तो इन दोनों छोटे वाले घरों में भी चेक कर लेता हूँ मैं, पर बंदा मिलता ही नहीं है। हो सकता है कि पीछे से ही भाग गया हो, पर बंदा ही था वो, क्योंकि क्योंकि जिस घर से उजी उठाई थी मैंने, वहाँ पास से एक गाड़ी गई थी जो यहाँ पे आके रुकी है। तो अब वहाँ से निकलते हैं, बंदे 17 अलाइव रह गए, तो यहाँ पे अब एक फ्लेयर चली है, तो इधर आके देखेंगे। तो यहाँ पे फ्लेयर पे आने बंदे के आने के चांसेस ज़्यादा थे, तो मैं यहाँ आके रुक जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा होता है जो मेरे ऊपर फायर करता है, और मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि वो बंदा कहाँ है। वो पास वाले घर में होता है, पर वो नीचे कूद जाता है। अब जैसे ही वो नीचे कूद जाता है, मेरे को साउंड आती है, तो मैं फटाफट से इस घर में चला जाता हूँ ऊपर देखने के लिए कि बंदा कहाँ कूदा है। तो पता नहीं इन सज्जन को क्या परेशानी थी जो यहाँ पे ये अजगर बन गए हैं डसने के लिए, पर इनको यहाँ से मुक्ति देते हैं हम। थोड़ी देर यहाँ पे रुक के मैं देखता हूँ कि कोई बंदा अगर लूटने आए ड्रॉप को, तो मैं उसको मिनी से मार दूँ और 1 किलो और मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। तो मैं जाता हूँ ड्रॉप को लूटने के लिए, देखता हूँ कोई ओम वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पे मेरे को MK-14 मिल जाती है, जो कि 20 गन है, आप सभी जानते हो, क्लोज में भी ऑटो पे चलती है। तो MK-14 उठा लेता हूँ मैं, मिनी 14 छोड़ के। अब यहाँ से निकल के मैं आता हूँ इधर गटका की साइड देखने के लिए कि कोई बंदे बंदे मिले। अब 10 बंदे अलाइव रह गए थे और 2 किल और करने थे, एक स्नाइपर से और एक व्हीकल से। तो मैं थोड़ी देर उस घर में रुकता हूँ, पर कोई मिलता नहीं है मेरे को। तो मैं इधर आने लगता हूँ, तो पीछे एक बंदा कैंप कर रहा था जो कि मेरे ऊपर फायर करता है। तो मैं वापस आता हूँ इस साइड गाड़ी लेके, देखेंगे उसको। तो मैं इस घर में आता हूँ देखने के लिए कि बंदा कहाँ है। पहले देखता हूँ कहीं घास में लेटा हुआ तो नहीं है, पर घास में कोई नहीं दिखता मुझे। तो मैं इस घर से निकल के पास वाले घर में जाने लगता हूँ देखने के लिए कि बंदा उस साइड तो नहीं है कहीं। जैसे ही इस घर में आता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये डबल स्टोरी वाले में बंदा है। अब मैं देखता हूँ कहीं यहीं से एंगल मिल जाए, तो मैं MK-14 से ही उसको मार दूँ, पर ऐसा नहीं होता। बंदा लेटा हुआ था और बिल्कुल फुट स्टेप नहीं दे रहा था अब तो। मैं थोड़ी देर यहाँ पे चेक करता हूँ, फिर जब देखता हूँ कि 10 ही बंदे अलाइव है और जल्दी ही सब मर जाएंगे, मेरे को 2 किल और करने, तो मैं इस घर में आता हूँ फटाफट। अब बंदा नीचे था या ऊपर था पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं एक फेक स्मोक की पिन खींचता हूँ और वापस कैंसिल कर देता हूँ। बंदा ऊपर थोड़ा हिलता है, प्रोन हो के रखा था, तो उसने 1-2 बार गेट खोल के बंद किया, तो मुझे पता चल गया कि वो गेट के पास ही लेटा हुआ है और उसकी साजिश है कि जैसे ही गेट खोलूँ और वो मेरा वध कर दे। पर ऐसा कुछ होने नहीं देंगे हम, और यहाँ पे थोड़ी ट्रिक लगाते हैं उसको मारने के लिए। तो मैं इस साइड से जाऊँगा और देखते हैं, तो बंदा लेटा हुआ था यहीं पे, तो मैं उसको MK-14 ऑटो पे चला के उसको मार देता हूँ। अब जल्दी से यहाँ पे लूट वूट करेंगे और थोड़ी पेन किलर वेन किलर मारेंगे और जल्दी से यहाँ से निकल लेंगे। थोड़ी देर इस वाले घर में रुक के मैं देखता हूँ इधर उधर कहीं से बंदे मेरे को मिल जाए, पर रहता नहीं है ऐसा कुछ। फिर जोन आ जाता है, तो मैं गाड़ी लेके निकल लेता हूँ यहाँ से बंदों को मारने के लिए, और यहाँ से निकलूँगा। और पास में एक गाड़ी जा रही थी जिसकी मुझे साउंड आती है, बंदा कूदता है, मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ, पर वो गाड़ी के कवर में था। तो बंदा बहुत ही ज़्यादा चालाक था वो, और वो ऑल टाइम गाड़ी के कवर में ही रहेगा। मैं 1-2 बार वापस जाऊँगा उसको मारने के लिए। मैं इधर से वापस जाता हूँ उसको मारने के लिए, तो भी वो गाड़ी के कवर में होता है, और मैं नहीं चाहता था कि कैसे भी करके मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से टच हो जाए और उसको मौका मिल जाए मार दे वो। तो इधर आएंगे फटाफट, मारेंगे ड्रिंक और निकल लेंगे वापस। अब इधर से वापस जाऊंगा मैं उसको मारने के लिए, पर बंदा पूरा अब कवर में था, तो मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ। और इधर आके यहाँ पे देखते हैं, तो एक अद्भुत शक्तियों वाला अजगर यहाँ पे लेटा पड़ा था। बहुत ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ थी, गाड़ी घुमाई फिर भी बंदा मरा नहीं। और जाएंगे वापस और इसको ज़रूर कुचलेंगे। इस बंदे को कुचलने के बाद मैं भूल ही गया कि चिकन डिनर भी कर सकते हैं ऐसे। तो पीछे से बंदे ने मारा और मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी से कूद गया। अब
कुत्ते ही मर गए। चिकन डिनर तो नहीं हुआ, छोड़ो, पर देखते आगे। आप जो भी गेम अच्छा खेलते हैं, सोलो या स्क्वाड, उसमें आप इस टाइटल को पूरा कर सकते हैं। बस रैंक आपकी प्लेटिनम 5 से ऊपर होनी चाहिए। अब देखते हैं हमें हमारा टाइटल मिला कि नहीं मिला, तो अचीवमेंट में जाके देखेंगे। अब हमें हमारा टाइटल मिल चुका है, ये सारे किल हो चुके हैं हमारे। अब क्लिक करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं हमें हमारा टाइटल मिला कि नहीं। तो ये लो, हमें हमारा टाइटल मिल चुका है 20 अचीवमेंट पॉइंट्स के साथ, और हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और ये सीज़न 14 है, अब ये टाइटल हमें मिल चुका है, तो हम अब इसको अपने नाम के साथ लगा लेंगे टाइटल को। टाइटल लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि रिस्क लीजिए और आगे आके किल कीजिए। ऑफलाइन बंदों के भरोसे मत रहिए, नहीं मिलेगा। और जितना हो सके कम लेवल पे ही कर लीजिए ये टाइटल सारे अचीव, क्योंकि लेवल हाई होने पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और अगर आप लास्ट में उतरते भी है, तो सबसे पहले उस स्किल को पूरा कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप शॉटगन और व्हीकल के किल पहले कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।